वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस से लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 152,000 से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते हैं और इसका जश्न मनाने के लिए महानगर बीजेपी की ये जो बनारस का महानगर कार्यालय है उसके ठीक सामने ये ढोल नगाड़े यहाँ लेकर लोग पहुंचे हुए हैं। लड्डू भी बटेगा और आतिशबाजी भी होगी, क्यों भाई साहब? भाई साहब, जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। और रही बात बनारस की, बनारस विकास के ऊपर लड़ा गया था इसलिए मोदी जी जीते हैं, बनारस वासियों के प्यार के साथ था। ठीक, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। तो आसिफ भाई, विकास के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने जनादेश मांगा पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सारी की सारी सीटें जीते, उत्तर प्रदेश छोड़कर बाकी सब जगहों पर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बनारस में 1.5 लाख से प्रधानमंत्री जीतते हैं। नहीं, जीत तो जीत होती है, एक वोट की जीत होती है। हमारा देश के प्रधान भाई, हमने तो प्रधानमंत्री चुना है, देश सांसद चुन रहा है, हम प्रधानमंत्री चुने हैं। 3 दिन पहले तक आप लोग 10 लाख से ज्यादा वोट मांग रहे थे। देखिए, चुनाव में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन जो तो अफसोस है कि नहीं है? कोई अफसोस नहीं है हमको, प्रधानमंत्री जी 1.5 लाख से जीते, कोई अफसोस नहीं है। कहा कि एक वोट से जीत होती है, हमारा देश का प्रधानमंत्री जीत गए, ये खुशी। राहुल गांधी 4 लाख से रायबरेली जीते, पता चला कि नहीं आपको? मैं प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, राहुल जी भी वायनाड से क्या करते हैं, रायबरेली से भी देखिए भाग जाएंगे छोड़ के, तो वो हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, वायनाड से 3 लाख से ज्यादा वोट से जीते हैं वो, पहले ये और पहली बार लड़ रहे थे। प्रधानमंत्री जी बनारस में 30,000 करोड़ से ज्यादा का काम कराए और 1.5 लाख से जीतते हैं वो। देखिए, लोग कहते हैं ना झूठ चलता है, तो उन लोगों ने झूठ बोला, पब्लिक को नहीं समझ में। आप लोग क्या कर रहे थे भाई? हम लोग सच बोलो, विकास की बात। क्या नाम है आपका? सोमनाथ पांडे। सोमनाथ पांडे बीजेपी में कब से हैं? अभी हमारा फर्स्ट टाइम, पहली बार आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है 1.5 लाख वोट से प्रधानमंत्री जीते हैं? खुशी तो है बिल्कुल भाई, प्रधानमंत्री जी हमारे काशी के सांसद भी हैं। लेकिन 1.5 लाख से जीते, कोई बात नहीं, अगली बार और मेहनत होगी। कहाँ गलती कहाँ रहेगी भाई? सोमनाथ जी, गलती कहीं भी नहीं रही, थोड़ी बहुत विपक्ष ने जो अपना झूठ का जो बोलबाला किया, हम लोग सच्चाई पे अड़े रहे। विपक्ष जीत गया ना भाई साहब? ये तो एक नैरेटिव है जो मीडिया देना चाह रही है कि विपक्ष जीत गया। तीसरी बार हमारी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके भारत में चुनी जाती है और विपक्ष ये नैरेटिव नहीं, 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 आप हम बनारस की बात कर रहे हैं, हम बनारस में मौजूद हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, कि प्रधानमंत्री जी ने अंतिम 2 दिन आप लोगों के हवाले किया, वो यहाँ अंत में चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं आए। कोई बात नहीं, उनका अपना। और सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से ज्यादा वोटों से जीतते हैं, गृह मंत्री जी 6 लाख से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतते हैं, और प्रधानमंत्री जी जिनके नाम पर पूरे देश में चुनाव हुआ उनको महज 1,52,000 से जीत मिलती है, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है या आपको लगता है कि इस पर प्रायश्चित होना चाहिए, इस पर काम होना चाहिए? हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार तीसरी बार काशी से सांसद निर्वाचित हुए हैं और NDA के नेतृत्व में तीसरी बार हमारी सरकार का गठन होना है। विपक्ष को जो भी नैरेटिव देना है कि 1,52,000 वोट से जीते, कि 1 लाख वोट से जीते, कि 50,000 वोट से जीते, एक वोट की जीत भाई साहब जीत होती है और 1,52,000 वोट की जीत भी जीत होती है। आगे सुन लीजिए, वो भी तीसरी बार, आगे एक विषय रह गया, एक विषय वो भी सुन लीजिए। आप यह बात भूल जाते हैं कि कौन सा भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र में। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, 3 दिन पहले तक 3 दिन पहले तक नहीं नहीं 3 दिन पहले तक आप 10 लाख से ज्यादा वोट जुटा रहे थे जी, आप 1.5% वोट 2019 की तुलना में 1.5% वोटिंग भी कम हुआ और प्रधानमंत्री जी का मार्जिन भी जबरदस्त तरीके से कम हुआ, तो ये आपके लिए सोचने का विषय है कि नहीं? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, वो ऐसा नहीं कि वो केवल किसी एक वोटिंग के नतीजा क्यों है, मैं यही तो जानना चाहता हूं। इसका जो है विश्लेषण करेगी पार्टी है, नतीजा क्यों है। हम कार्यकर्ता है, हमने दिन रात एक करके माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए वोट मांगा और क्षेत्र की जनता ने उन्हें वोट देकर के सांसद निर्वाचित कर दिया है। अब वो 1.5 लाख से किया जाए, 3 लाख से किया जाए या 10 लाख से किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी काशी से निर्वाचित होकर के सदन पहुंच चुके हैं और अगले तीसरे टेन्योर में भी इस देश को सशक्त सरकार देने वाले। क्यों भाई साहब, क्या नाम है आपका? इंद्रशेखर सैनी। कब से जुड़े हैं बीजेपी से? काफी समय से। तो 14 का चुनाव याद है ना? जी मालूम है, एक अलग ही माहौल था। 19 का चुनाव याद है ना? सब याद है। तो ये जो 1.5 लाख की जीत है, आपको लगता है कि ये सही है, ये होना चाहिए था या और भी मार्जिन बढ़ना चाहिए था? देखिए भाई साहब, मार्जिन तो बढ़ता कब, जब वोटिंग पड़ता तब। हम लोगों को जो साझा गया था, 2014 से ज्यादा वोटिंग हुई है, कहाँ हुई है 2014 से?
कितना हुआ? 19 से कम, अरे 56-57% वोटिंग हुई है भैया। 50 में तो सब बड़े। अजय राजे को कितना वोट मिला मालूम है? 4 लाख। अजय राजे 4 लाख वोट पा गए तो विपक्ष जीत गया ना फिर। भैया यहाँ जातिवाद हो रहा है ना। हाँ। माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विश्वास करके हम लोगों पर छोड़े, यहाँ पर जातिवाद हो रहा है, इस चीज को नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था ना। ठीक है, बीजेपी में कोई भी व्यक्ति कोई भी बिरादर कोई गिना नहीं जाता है, वो सिर्फ कार्य करता है तो कार्य करेगा। ठीक है, तो सबका साथ सबका विश्वास, लेकिन कोई विश्वास उतरा नहीं, उतरा नहीं, कोई विश्वास पर खरा नहीं उतरा, उतरा जातिवाद हो गया। जाति तो ये जो बाहर से जो लोग आए थे, केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में जिम्मेदारी थी जी, जी। उनको सोचना चाहिए था ना। सोचना तो सभी को था, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े तक को। तो मोदी जी के साथ तो धोखा हो गया ना भाई। देखिए वो आप लोग पे भरोसा किया, हम लोग को कष्ट हो रहा है, हो रहा ना। 5 लाख 10 लाख वोट से जीतना चाहिए था। हाँ। लेकिन जब उतना वोटे नहीं पड़ेगा तो जीतेंगे किस लिए? चलिए, तो क्या नाम है आपका? इंद्रशेखर सैनी। चलिए, इंद्रशेखर सैनी जी का कहना है कि एक तो वोटिंग परसेंटेज कब था, ऊपर से विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट किया कि जातिवाद का एक जो माहौल खड़ा किया, इन तमाम बातों की वजह से राहुल भी आ गए सत्ता में। बोले ना तो सत्ता में इसका मतलब लालच दिए। आप लोग समझा नहीं पाए कि लालच, लोगों को समझा नहीं पाए भैया। हम लोग अंधविश्वास में नहीं चलते, विश्वास उसी चीज का देंगे जो कर पाएंगे। मोदी जो गारंटी देते वो करते हैं, अब वो सारे विपक्ष करे चाहे ना करे, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। ये भी आपको पता है कि जुगलबंदी होता है, ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है? आपको लगता है? तो कह रहे हैं भाई साहब की विपक्ष के नैरेटिव में बनारस के लोग फंस गए। बाहर से जो लोग आए वो इस नैरेटिव को तोड़ नहीं पाए, वोटिंग परसेंटेज भी कम था और लोगों को ये समझा भी नहीं पाए। वी गॉट प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।